सर्वेभ्यो नमो नमः। जय भीम। भंगी महिला सहती है मल वहन पीड़ाम, उत्पात्यति समलम करणम, आजानु भ्याम तोलियंती उर्षा, आजानु भ्याम तोलियंती उर्षा, मस्तकम यावत प्राप्याति करणम। भंगी महिला भंगी मल्ल तस्य उपरि पतति, पट टट 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 मलमूत्र धारा, कदाचित प्रोच्यन्ति शाटिका प्रांतेन, कदाचित वस्त्रम प्रांतम सजति, क्वचित न प्रवेत, क्वचित न प्रसेत, लज्जा सर्व सम्मुखाम विपणौ भंगी महिला प्राप्य। कुर्डीम स्वल्प कालम विरमति, स्थिरम भवति दृष्टि, चित्यन्ति भंगी महिला। किम अहम मलमूत्राभ्याम किमहम मलमूत्रादिभ्यो अपि निमंत्रा, अरे मलमूत्रमापि मतो धन्यम, यत खलु शिरसि तु विराजते। भंगी महिला स च उत्तोलयति मलमूत्र भारम, चलति च तिलांजलि विरजनाय, तस्मै तथा कथिताय सभ्य समाजाय, दिक्कम च करोति भृशम, हुकारम विभ्रति वस्थयाम, स्ताबतिह सत्य यातनाया, मूल्यम पृच्छति चिक्ष पत्सति। मलमूत्र भारम तत्र सभ्य समाजो उपरी जिग्रक्षति अनावृत आकाशस्यम स्वभागम। आई व्यवस्थाया ध्वजवाहका सजिता भवता, पश्य पश्य आगच्छति एका भंगी महिला, हस्तयो मार्जनम विहाय लेखनीयम अदाय एका भंगी महिला। मम नाम कौशल पवार इति अस्ति। अहम् दिल्ली विश्वविद्यालयस्य मोतीलाल नेहरू महाविद्यालयस्य अध्यापनं करोमि। जेएनयू इति विश्वविद्यालयात् मया पीएचडी इति कृता अस्मिन् धर्मशास्त्रेषु शूद्रा प्रमुख पाण्डिल्यानं विशेष सन्दर्भे इति विषयम् अवधार्य अहम् डॉक्टरेटम् अवभ्याम्। एतदेव विषयम् अवधार्य मम पञ्च ग्रन्थ शोधा प्रकाशिता। एते ग्रंथा न केवल शूद्र विषयाणाम अपितु शूद्र स्त्री च सामान्य स्त्रियाणाम च शोधपूर्ण यथार्थ वर्णनम कुर्वन्ति। संस्कृतम पठन पाठनेन अहम् स्वतंत्र सामाजिक लेखनम करोमि। संस्कृत ग्रंथानाम अनुवादः, कथा संग्रह, पद्य रचना, मुक्त रचना च मया कृता। अधुना न तु केवलं शूद्र संस्कृतानां कृते लेखनं करोमि, अपि तु वंचित भारतीयानां कृते अपि लेखनं करोमि। जोहोडी इति मम कथा संग्रहो वर्तते। अस्मिन् ग्रामीण भारतस्य वंचित जनानां सामाजिक जीवनस्य निदर्शनं भवति। आप सबको मेरा जय भीम। क्योंकि शालिनी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन में दिया था कि मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी संस्कृत कविता के माध्यम से और अपना परिचय कविता के माध्यम के साथ साथ संस्कृत में ही दूँ। एक बार मैं मेरा रंग में मुझे यहाँ आमंत्रित किया शालिनी जी ने, और गीताश्री जी का सारा तरह धरा है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। गीता जी ने और तमाम आपकी जो दर्शक हैं और जो सुन रहे हैं जो मुझे, वो तमाम उन सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ मेरा रंग पर आमंत्रित किया। साथियों, ये मेरा परिचय संस्कृत में था। अभी मैं थोड़ा सा हिंदी में परिचय दे देती हूँ, और जो मैंने कविता पढ़ी वो मेरा मौलिक एक तरह से परिचय था। अभी उसके बाद जो मैंने परिचय दिया वो मेरा एक तरह से प्रोफेशनल परिचय है। मैं डॉक्टर कौशल पवार हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाती हूँ और हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूँ। हरियाणवी मेरा अपना लोक भाषा रही है। हो सकता है आपको हिंदी के जितने भी आप मुझे सुन पा रहे होंगे उनको थोड़ी सी मेरी आवाज़ में हरियाणवी टच दिखाई दे। साथियों, जैसे कि शालिनी जी के तमाम जितने मेरा रंग से जुड़े हुए लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जितने भी श्रोतागण हैं वो तमाम जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको अपने बारे में जो परिचय जो शालिनी जी ने मुझे मेरा दिया था कि
कि रचना क्रम मेरा क्या है और कैसे मैं एक तरह से मैं उसके ऊपर बात करूं। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहां से करूंगी। इनफैक्ट मुझे लगा कि आज शालिनी जी के चैनल पे मैं आऊं तो अगर हटके ना हुआ तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक अलग तरह का अनुभव होगा और हो सकता है असुविधा रही हो आपको शुरुआत में मेरी, लेकिन अब हम लोग सामान्य तरीके से बात करेंगे। मैं पहले तो एक बार फिर से बार बार धन्यवाद दे रही हूँ गीताश्री जी को भी और तमाम आपकी लेखिकाएं जो मंच पर आ चुके हैं और तमाम जितने लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं वो सब, उनको ये बता दूँ कि ये लॉकडाउन में एक बहुत एक तरह से फ्रूटफुल एक हमारे सामने चीज़ें हैं जो कम से कम हम अपने कपड़ों को निकाल के अपने थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप का सामान वो सारा का सारा कम से कम इस बहाने यूज़ कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये लगने लगा था कि यार गजब हो गया, मतलब आप बिल्कुल पूरा निक्कर बनियान में पूरा दिन घूमते रहो, सारे कपड़े भी रखे रखे अलमारी में खराब हो गए। तो मुझे लग रहा था कि कैसे हम लोग किस तरीके से हम लोग जो इस तरीके से चैनल पर जब आते हैं कम से कम इसी बहाने से ही हम लोग तैयार होकर बैठते हैं। खैर बहरहाल मैं बात करना चाहती थी, निशार जी मुझे बता रही हैं कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू में देखा था और उस इंटरव्यू से हटके मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब आवाज़ ठीक आ रही है मुझे लगता है आप सबकी, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अभी? अगर आप मुझे मैसेज में डाल के बता देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा कि आवाज़ ठीक आ रही है जी। अच्छा शालिनी जी, ओके मैं समझ गई। अच्छा संजीव चंदन जी ने सुझाया था, मुझे लगा था गीता जी से क्रेडिट वापस ले लेती हूँ मैं, मुझे लग रहा था गीता श्री जी ने बताया। हाँ अब बाद में हम हिसाब करेंगे फिर गीता श्री जी को, मैं सोच रही थी कि शायद उन्होंने सुझाया, ये मेरी शिकायत है मीठी सी गीता श्री तक अगर वो मेरे मुझे सुन पा रही हूँ, हालांकि वो बड़े बड़े लोगों को सुनती है हमें कम सुनती है। खैर बहरहाल मैं संजीव चंदन का आभारी हूँ कि संजीव चंदन ने मेरा नाम सुझाया, और संजीव चंदन बेसिकली मेरी सखी की तरह है, मैं उसको सखी बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ ये मैं बता देती हूँ कि JNU में जब सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी तो संजीव चंदन उस वक्त स्त्रीकाल प्रिंट उसमें निकालते थे, अभी भी निकाल रहे हैं, लेकिन उस वक्त शुरुआती दौर एक तरह से था, सुनील कुमार सुमन थे, ऐसी मुलाकात हुई गंगा ढाबा पे, हम ढाबाबाजी बहुत करते थे। तो संजीव चंदन ने मेरे से बात की एक दिन और उन्होंने कहा कि हम आपको स्त्रीवाद विषय पर बात करना चाहते हैं। मैंने एकदम बड़े मतलब मजाकिया लहजे से, मैं क्योंकि धीर गंभीर टाइप से हुई नहीं, मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से मजाकिया मूड में रहती हूँ मैं ज़्यादातर, मुझे लोग मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी मजाकिया मूड में रहती हूँ। तो मैंने उनको यही काम कहा किस क्या होता है ये स्त्रीवाद, मुझे तो मैंने तो आज ही सुना है ये शब्द भी कोई स्त्रीवाद नाम की चीज़ भी होती है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं सुना था, बिल्कुल सुना हुआ था, लेकिन मजाक के मूड में, क्योंकि ढाबाबाजी पे जब हम रात को बैठते थे तो जहां हम धीर गंभीर चर्चा सुनते थे उसके साथ ही साथ हम लोग हल्की फुल्की ऐसे मजाक कर लेते थे। तो संजीव चंद्र जी ने कहा कि वो हम आपसे बात करने के बाद बताएंगे। तो उन्होंने मेरे साथ बातचीत करी और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये हम इसके ऊपर आपसे बात कर रहे थे, जिसका एकदम शीर्षक निकल गया है नारीवाद स्त्रीवाद ग्रामीण महिलाओं तक नहीं पहुंचा। साथियों मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि हम तमाम बातें करते हैं, बहुत मतलब नो डाउट कि एक चेंजेज आया है, फीमेल इमेंसिपेशन के लिए जो भी रहा वो डिस्कोर्स में जो आया, वो साहित्य में, राजनीति में, सामाजिक आंदोलन में, तमाम जीवन के जो पहलू हैं उनमें, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक ठहराव और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के साथ है। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि आज भी हमारी महिलाएं, हालांकि बहुत मतलब धीर गंभीर विषय है कि हम एक तरह से जब कहते हैं कि मतलब स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती है, या ऐसा कहें कि वही उनका एक तरह से वो करती हैं, टॉर्चर करती है फला डिगड़ा मुकड़ा, हालांकि इसके जो पीछे जो रीजन है हम सब जानते हैं कि ये रीजन सिर्फ इतना सा नहीं होता कि आपस में स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, एक तरह से इसको डील इस तरीके से किया जाए, बल्कि अब इसको तमाम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हम करें, तमाम हम एक तरह से जब जो स्थितियां हमारे सामने आती है उन सब का जब सोशल एनालिस करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ वमन, एवरी कंडीशन इन
लाइवलीहुड। तो जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो आज भी उसी तरीके से जिंदगी को जीती हैं। आज भी उनके लिए पुत्र प्राप्ति सबसे बड़ा माँ कहलाने का जो अधिकार है वो पुत्र के बाद ही है। हालांकि अपवाद भी है हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ बिल्कुल एकदम मतलब जहाँ फीमेल रेशो बहुत कम है, जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, जहाँ आर्थिक रूप से भले ही हरियाणा थोड़ा सा समृद्ध हो कंपैरेटिवली अदर देन स्टेट, लेकिन जो एक तरह से जो सामाजिक जो एक होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ापन है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो डाटा हमारे सामने निकल के आया था उसमें ये बताया गया था कि जो हरियाणा के बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है झज्जर, उसमें एक गांव ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां मतलब सबसे ज्यादा लड़के हैं, लड़कियों का रेशो बहुत ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में वही एक सबसे ऐसा विलेज है जहाँ पूर रेशो रेशो है लड़के और लड़की का। तो मैं ये कहना चाहती थी आपको कि जिस तरीके से जो सामाजिक पिछड़ापन है वो आज भी अर्बन और रूरल दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। मैं बात कर रही थी आपसे कि जो सामाजिक जो पिछड़ापन है, जो नारीवाद है, जो महिलाओं तक नहीं पहुंचा, वो उस पर मैं थोड़ा सा दो तीन लाइनों में बात करना चाह रही थी, दो तीन मिनट में बात करना चाहूँगी। और वो हमसे भी जुड़ा हुआ है अभी भी तमाम। अभी पिछले दिनों जो थप्पड़ फिल्म आई उसकी पूरी जो एक तरह से उसकी रचना प्रक्रिया, उसमें क्या इश्यूज उठाए गए, इसके ऊपर एक पूरी लंबी बहस छिड़ी। लेकिन मैं आपको वहाँ तक लेके जाना चाहती हूँ जो थप्पड़ जैसी जो भूमिका है उससे कई गुना ज़्यादा बदतर हालत महिलाओं की है। मैं सामान्य महिलाओं की बात कर रही हूँ। हरियाणा जैसी जगह पर आज भी महिलाओं को खरीद कर लेके आया जाता है, पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है, खुद इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हाँ जी। विनय कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि शालिनी जी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है अगर कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे यहाँ तो इंटरनेट भी ठीक है और आवाज भी शायद आपको ठीक आ रही होगी, आप एक बार चेक करके बता दीजिए। गीताश्री जी को नमस्कार, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी शिकायत करके हटी हूँ जी। तो ये जो पुअर कंडीशन है मतलब महिलाओं की, किस तरीके से एक उनको मतलब वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह से कि उसको एक तरह से वस्तु बना के रख दो, और जो जो खरीद के लेके जाई जाती है महिलाएं, पहले उसका खुद इस्तेमाल होता है फिर उसके बाद दूसरे के हाथों बेच दिया जाता है। एकदम मतलब ऐसी हालत महिलाओं की है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ पिट जाऊंगी बिल्कुल, मुझे बड़ा सौभाग्य मेरा आप मुझे पीटने आए, आके तो दिखाइए लॉकडाउन में, आप बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस वाले डंडे मारेंगे। खैर मैं बात कर रही थी कि जो जो हरियाणा में जो महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। और अब हम बात कर लेते हैं उन महिलाओं में भी, दलित महिलाओं की स्थिति कैसी है। ये देखिए कि मैं बिल्कुल एकदम माफी मांगते हुए भी मेरा अपना इवेल्युएशन है, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ और मैं चाहूंगी कि मैं पूरी तरह से गलत भी हूँ, लेकिन हूँ नहीं ये मैं भी जानती हूँ। जो जितनी तमाम जो मैंने अभी माइग्रेटेड महिलाओं की बात की, झारखंड से, बिहार से, ऐसे स्टेट से जो महिलाओं को लेकर आया गया और खरीद के लेके आया जाता है, उनमें वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं ट्राइबल्स, ज़्यादातर महिलाएं डिफरेंट सेक्शन की हो गई हैं। वो महिलाएँ क्योंकि उनको किसी भी तरह की जो जो शादी की रस्में या एक तरह से पत्नी का अधिकार, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पत्नी का अधिकार जो होना चाहिए वो उनको वो तक भी नहीं मिलता। इवन अगर बाय चांस कोई बच्चा हो जाए उस महिला का और उस महिला के बच्चे को भी एक तरह से नाम तक उसका एक तरह से नहीं दिया जाता, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है। माँ ही तय करती है कि उस बच्चे का बाप कौन है, आज भी तय करता है, पहले भी करता था, कोई या कोई बड़ी इसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रही थी कि जो जो स्थितियां हैं हमारी वो सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं जो फेमिनिज्म किस पंछी का नाम है वो उनको नहीं जानकारी। हाँ ग्रामीण महिलाओं में मेरा एक, मैं थोड़ा सा एक्टिविज्म में रहती हूँ और ज़्यादातर मेरा काम ज़्यादातर महिलाओं के बीच में रहता है इधर उधर काम करने का, तो उसके आधार पे मैं ये बता रही हूँ, हो सकता है कि आप डिफर करते हो। लेकिन जो तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो उनका जो फेमिनिज्म है वो टीवी तक सीमित है।
आप ये देखिए, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाएं थी उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि वो बिंदी लगाए, लिपस्टिक लगा के बैठे, सिंदूर लगा के बैठे ना, उनको ज्यादा तो मतलब नहीं होता था इससे, स्वाग सुख से कोई ऐसा सा मतलब नहीं था, गुजारा करना है। हाँ, किसी दिन खाली बैठे हो और दिहाड़ी मजदूरी उस तरीके से ना हो तो वो आके एक तरह से मतलब ये भी कर लेती थी, लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मतलब ये एक तरह से सुहाग से जोड़ के देखना ऐसा कुछ नहीं था। गांव देहात की महिलाएं अपने पेशे से जुड़ी होती हैं, वो आती हैं खेतों में काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, तमाम जीवन को जीवन जीवन यापन की जो चीज़ें हैं, जो साधन हैं, उन सब में काम करती हैं, और उन सब में काम करते हुए एक तरह से कहीं ना कहीं बराबरी, उस तरीके की बराबरी ना भी सही, लेकिन एक काम करने की बराबरी के हद तक वो जरूर हैं, पहुंची हैं। दूसरा ये कि हाँ, इतना भी जरूर है कि कुछ जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ती, ये भी एक बिल्कुल एकदम आंखों देखा हाल एक तरह से मैं सुना रही हूँ आपको। अगर कोई महिला अपने पति को छोड़ के जाना चाहे, खासकर दिहाड़ी मजदूरी वर्ग से आने वाली महिला, उसको लात मार के भगा देती है, ठीक है, और वहाँ पिटन पिटाई कोई बड़ी बात भी नहीं होती एकदम। मतलब शालिनी जी, भगवती वर्मा जी कह रहे हैं कि आवाज बिल्कुल कम आ रही है, आप मुझे एक बार चेक करके बता दें कि आवाज ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। विनय कुमार सिंह जी बार बार मुझे यही कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, नेटवर्क हो सकता है गड़बड़ हो, क्योंकि जैसे 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 हम शाम होती जाएगी तो इंटरनेट का काम भी ज्यादा बढ़ जाता है, बेचारा क्या करेगा, हर आदमी घर पे बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी चीजें नेटवर्क से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है ये। बाकी फिर भी बहरहाल मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है आवाज आपकी ठीक आए। ओम सापड़ा जी कह रहे हैं कि आवाज तो ठीक आ रही है, तो इसलिए मैं उन्हीं की बात से आगे बढ़ते हुए अपनी बात को जारी करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि ये भी एक पहलू रहा है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का, कि अगर किसी भी तरह की कोई उनको परेशानी है तो उनको लात मार के भगाने का अधिकार रखती हैं, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं, पंचायत में ही जो कुछ हिसाब किताब होता है वो हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि एक तरह से ये सारी चीजें जो अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला फेमिनिज्म और अर्बन एरिया में रहने वाला फेमिनिज्म, अदन डिप्राइव्ड सेक्शन का फेमिनिज्म, महिलाओं का फेमिनिज्म, ये एक तरह से हायरार्की ऑफ द फेमिनिज्म है, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो महिला है वो चार तरह के शोषण सहन करती है, इकोनॉमी आधार पे, सोशली पितृसत्तात्मक है ही, और तीसरा चौथा एज बीइंग ए दलित, और विद इन दलित, मेरी जो हालत मतलब मैं जिस वर्ग से आती हूँ उसमें हम तो चौथा भी सहन करते हैं, चौथा इन द सेंस मतलब चार प्रकार का शोषण, तीन प्रकार का शोषण, इकोनॉमी सिमोन डी बोवर से लेकर तमाम जितनी भी मेरी महिलाएं रही हैं हमारी जिन्होंने काम किया है, जो बहनचारे को स्थापित करने में एक बड़ा सिस्टम को बना के रखा है, उसमें उनसे आगे बढ़ के मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो विद इन दलित भी, जो सफाई पेशे से आता है, जो बंगी समाज से आता है, जो वाल्मीकि समाज से आता है, जो ऐसा समाज जिसको दलितों के अंदर भी एक तरह से एक महिला होने के नाते जो है ही एक तरह से शोषण, लेकिन शोषण की जो कैटेगराइजेशन है वो चार तरह के एक तरह से है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि हम एक तरह से जब हम इसका साइकोलॉजी ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फीमेल जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो देखने में हमें यह आता है कि एक तरह से चार तरह का शोषण है। अब हम बात करते हैं एक तरह से कि जो मेरा जो रचना कर्म है, देखिए मैं लिखती लिखती कुछ नहीं हूँ, सच बता रही हूँ, ये संजीव चंदन ने पता नहीं नाम किस आधार पर रचनाकार और रचनाक्रम पर बात करने के लिए बता दिया, मुझे हैरानी हो रही है। गीताश्री जी तो बहुत अच्छी तरह जानती है मैं कितना लिखती हूँ, लिखने पढ़ने वाली मैं कमी हूँ, मैं इतनी पढ़ती हूँ बस जितना मुझे ठीक लगता है। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई मुझे कह दे कि अच्छा कहानी लिख दो हमें चाहिए, मैं लिख ही नहीं सकती, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक आदमी का रचनाक्रम का एक अपना अपना एक शास्त्रीय परंपरा भी है, एक साहित्यिक परंपरा भी है, वो कैसे अपना रचनाक्रम करता है, लेकिन मैं इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। बस इतना सा है कि मैं बेसिकली डिफाइन करने की ज़रूरत है कि आप लेखन किस को मान रहे हैं, एक वो लेखन जो प्रकाशित होता,
या वो लेखन जो प्रकाशित नहीं होता। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो जब मैं छोटी थी, मैंने शुरू में ही अपने परिचय में बता दिया कि मैं ऐसे एक डिप्रेस्ड सेक्शन से हूँ जो बिल्कुल दबा कुचला, और जिसमें क्योंकि मेरे तो दोनों ही माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, मैं साथ में उनके काम करती थी, हम लोग तो इकट्ठे मिला जुला हमारा रहा है काम करने का और आगे बढ़ने का। ऐसे करके मैंने पढ़ाई शुरू की अपनी, वहीं पे ऐसे तमाम चीज़ों को झेलते हुए ऐसे हम लोगों ने फिर एक तरह से आवाज़ अपनी यहाँ तक हम लोग लेके आए हैं। मैं आपसे बात ये करना चाह रही थी कि एक तरह से जो हम ये मानते हैं कि रचना का लेख, रचनाक्रम का जो एक उद्भव जिसको आप कह सकते हैं साहित्य शास्त्रीय भाषा में, या फिर यूं कहें कि जो एक जो लेखन की शुरुआत होती है, तो मैं वहीं उसी प्रश्न पे दोबारा लौटती हूँ कि क्या लेखन वही होता है जो प्रकाशित होता है, या वो लेखन भी लेखन कहा जा सकता है जो हम जब तमाम छोटे छोटे चीज़ों को बर्दाश्त करने से, जब आपकी भड़ास बाहर नहीं निकली। हरियाणा में भड़ास बड़ा नॉर्मल सा शब्द है, आप इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने प्रेम पे भी, गीताश्री जी, मैंने एक बार जब मैंने प्रेम करना शुरू किया था, प्रेम पे कविता लिखी थी, मैं दो लाइन सुना के दोबारा फिर अपनी बात पे लौटती हूँ। देखो, प्रेम कहाँ याद रहेगा इतनी गंभीर चर्चा में। खैर, मैं जरूर आपको सुनाऊंगी, मैंने प्रेम पे कविता लिखी थी, आपको जरूर सुनाऊंगी गीताश्री जी। खैर, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी चीजों को सहन करते हुए जब हम चीज़ों को एक तरह से ये मानते हैं कि हम नहीं बोल पा रहे, हम उसकी अभिव्यक्ति हम नहीं दे पा रहे, संवाद किसी के साथ उस तरीके से नहीं हो रहा, तो मैं क्या करती थी, मैं तो बेसिकली लिखना शुरू कर देती थी और अपनी तमाम भड़ास घर की, परिवार की, यार दोस्तों की, इन सारी चीज़ों को मैं कागज़ पर उतार देती थी। लेकिन ये भी था कि कागज़ पर उतारने के बाद जैसे ही वो मैं शांत हुई तो मैं उसको फाड़ के फेंक भी देती थी, तो मैंने कभी नहीं संभाल के रखा। दूसरी प्रक्रिया में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, थैंक यू विनय कुमार जी, आपने कहा कि कुछ लोग न जाने कैसे कर रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि बार बार अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो बात का लिंक टूट जाता है असल में ना, वो फिर डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतने भी प्रोफेशनल नहीं है कैमरे के सामने आके आप इस तरीके से मतलब पूरा हलचल हो, मतलब अभी गिने चुने दिन हुए हैं कि हम लोग थोड़ा सा बैठ के बात करने लगे। हाँ, गीताश्री जी की कविता मैं सुना देती हूँ। नींद आंखों में है ना दिल में करार, क्या यही प्यार होता है ऐ मेरे यार। ये मैंने कविता कब लिखी थी मुझे नहीं याद, लेकिन इतना जरूर है कि ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं बिल्कुल लड़कपन एक तरह से था कॉलेज के दिनों में, और जस्ट ऐसे ही। बहुत बड़ी कविता है गीताश्री जी, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी गंभीर चर्चा की तरफ, क्योंकि आजकल नींद आंखों में सारा दिन नींद ही रहती है, लॉकडाउन में हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, नहीं, तो मैं लिखती थी ऐसे, फिर उसके बाद कभी संभाल के रखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। फिर उसके बाद आपको मैं आपको बता दूं मेरा रंग के दर्शकों को और तमाम मेरे सुनने वालों को कि मैंने जब पहली बार जब लिखना शुरू किया तो वो पत्र के माध्यम से लिखना शुरू किया। मेरा एक भाई था, वो भाई दूर जगह पर रहता था, तो हम लोग पत्र से आदान प्रदान करते थे, चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को। तो उस चिट्ठी लिखने में हम लोग पूरा का पूरा एक तरह से अपने दुख दर्द जो हम सबके सामने नहीं बात कर सकते थे वो हम बयां करते थे उन पत्रों के माध्यम से। मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, मैं मेरी अलमारी भरी हुई है पीछे दोनों तरफ से, तो मैं उसको निकाल नहीं पाई मेरे पास, लेकिन सारे पत्र आज भी सुरक्षित हैं। क्योंकि ये भी रहा है कि कुछ चीज़ें, मैं भावुक भी बहुत हूँ, मैं कुछ चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, और वो चाहे फोटो रही हो मेरी उस वक्त की खींची हुई, या फिर तमाम मतलब वो जो संबंध बने हैं उस वक्त के वो रहे हों, और जिनकी बात कर रही हूँ मैं पत्र की, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, शादी के अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई थी, और ये मेरे लिए बड़ा, उसको याद करना ही बड़ा भारी मेरा मन हो जाता है इस पर याद करते हुए, क्योंकि मैं बहुत मतलब ओपन हूँ, बहुत बहुत मित्र हैं हमारे, बातचीत भी होती रही है, लेकिन असल में मेरा मित्र कोई नहीं है, मेरा संबंध बहुत सीमित लोगों के साथ है जिनके साथ मैं अपनी जो मैं हूँ, खुद जो मैं हूँ, कौशल हूँ, जब कौशल उससे बात करती है तो वो लोग बहुत सीमित हैं।
हाँ औपचारिकता है, हम दुनिया की रीत है, हम लोग भी निभाते हैं तमाम सामाजिक संगठनों में इधर उधर आने जाने में हम लोग निभाते होते हैं, लेकिन एक तरह से उनको आगे बढ़ते हैं फिर निभाते हुए, उस तरीके से नहीं होता है कि जैसे आप उनको मतलब यूं कहें कि नहीं आप हर एक चीज़ को उस तरीके से एक सामान्य तरीके से ले। खैर मैं वापस लौट के आती हूँ, तो ऐसी चिट्ठी पत्री हुई। फिर मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, वो मुझे नावल पढ़ने के लिए देते थे। वैसे कि मैं आज बता दूँ मुझे पढ़ने की लत कहाँ से लगी है। मुझे पढ़ने की जो लत लगी है वो मेरे एक मेरे सहपाठी थे, मित्र मेरे कह सकती हूँ मैं उसको, मेरे सहपाठी थे शिव कुमार, वो पढ़ते थे बहुत। उनके एक मतलब काम करते थे, वो काम करते हुए वो नावल पढ़ते थे, वही नावल वो मुझे दे देते थे। वो खरीद के लेके आते थे, खरीदेंगे किराए पे, एक एक रुपए पे ऐसे करके किराए पे नावल लेके आते थे। वो पहले पढ़ते थे फिर वो मुझे देते थे, तो मुझे ऐसे पढ़ने की लत लगी। और फिर उसके बाद मैंने कहा आपको कि लिखने की एक आदत सी उस तरीके से बनी गई थी कि आप पढ़ते हुए एक तरह से कुछ ना कुछ लिखो। फिर जब ऐसा दौर आता था कई बार कि आप मतलब कहिए कि आप अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहे, तो फिर मैं लिखती थी। वो धीरे धीरे फिर एक तरह से एक दो चीज़ों में कहानियों के रूप में भी आई और कहानियां लिखनी शुरू की एक तरह से। लेकिन सही मायने में कहूँ कि अगर कोई मतलब यूं माने कि नहीं मैं तो मतलब बिल्कुल मतलब लेखिका की तरह हूँ या लिखना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बस ऐसे ही मैं लिखती रहती थी। और मेरी पहली कहानी कहाँ छपी मुझे याद नहीं, ना मुझे ये याद कि मैंने कब लिखना शुरू किया था। हाँ इतना ज़रूर है कि मैंने तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए मतलब मेरे जहाँ से ज़्यादा एक ललक सी होती है लिखने की ऐसी भी प्रकाशित भी होती है, प्रकाशित नाम की चीज़ होती है, उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ना कभी महसूस की कि ये चीज़ें प्रकाशन में आनी चाहिए। हम लोग जब मैं एम ए कर रही थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक फ्रेंड थे हिंदी में एम ए कर रहे थे, मैं संस्कृत में पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे एक हंस की पत्रिका ला के दी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने उसमें कहानी पढ़ी, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव जिसको बोलते हैं ना वो लगा। देखिए मुझे इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो ज्ञान का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे बढ़ा, मतलब मैं बिल्कुल एकदम तमाम मेरी जो बहनें हैं जो घरेलू हैं ऐसे मैं भी घरेलू हूँ, वो तमाम महिलाएं जो बिल्कुल एकदम मतलब सारी चीज़ें जो घरों में करती हैं वो मैं सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे ढोलक बजाने आते हैं, मुझे लोकगीत गाने आते हैं, मुझे आज भी आता है, तो मैं सुनती थी उनको। हमारे यहाँ आजकल तो सपना चौधरी के गाने बजते हैं, आजकल महिलाएं इकट्ठे होकर गीत गाती नहीं। मेरे ज़माने में और लगभग अभी पिछले दशक से भी ले लूँ मैं, तो महिलाओं के जो अंदर की जो चीज़ें थी वो गीतों में निकल के आती थी। आपको इंटरेस्टिंग बता दूँ, जहाँ से मुझे एक तरह से लगा कि कुछ लिखा जाना चाहिए, वो प्रकाशित भी होना चाहिए। हंस में पढ़ चुकी थी मैंने बता दिया आपको, उससे भी एक लगा कि कुछ है। तो क्या हुआ कि हम लोग जब मैं गीतों को सुनती थी, उन गीतों में पत्नियों की मतलब दुख दर्द होता था, विरह होता था, प्रेम होता था, बहनों का प्रेम होता था, एक तरह से कुर्बानी का एक वर्णन होता था, अलग अलग तरह लोक गीतों में मतलब उसमें बेटी होने का दर्द होता था, बेटा ना होने का दुख होता था, और तमाम दहेज का मतलब जो लोक में जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ें उन गीतों में आती थी। तो मैंने गीतों का संग्रह भी किया बहुत सारा, मेरे पास है अभी भी, मैं इस पर हालांकि काम नहीं कर पाई। मैंने बताया ना कि मेरा मूल काम तो संस्कृत में है, दोनों में बैलेंस करना और फिर साथ ही साथ एक्टिविज्म को रखना बड़ा टेढ़ा काम है, मतलब दोनों चीज़ें फिर एक्टिविज्म भी, तमाम चीज़ें मतलब साथ साथ चलें, थोड़ा सा मेरी अपनी सीमा भी है, तो होगा लेकिन मैं करूँगी जरूर। मेरे पास बहुत सारी उसमें रखा हुआ है, मैं बिल्कुल एकदम किसी दिन चाहूँगी कि मैं लोकगीतों पर काम करूँ। लेकिन बहरहाल मैं बात कर रही थी कि मुझे फिर लगा कि फिर कुछ घटनाएं हुई असल में गांव में आसपास, वो घटनाएं मुझे कहीं ना कहीं अंदर से इतना उद्वेलित करती थी, क्योंकि मैं उस वक्त एक्टिविज्म में नहीं थी सच बताऊं तो, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब मैं आई और उससे पहले जब मैं कॉलेज में थी, कैथल जिले का मेरा कॉलेज था उसमें, तो एक तरह से संपर्क में आ चुकी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन एक्टिविज्म जिसको कहते हैं वो नहीं था। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी। हमारे यहाँ की जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उस वक्त की
जो अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन थी उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। तो फिर एक नया एक परिवर्तन एक तरह से है। उससे पहले का जो मेरा जो पड़ाव रहा रचनाक्रम मैं नहीं कह सकती उसको एक तरह से, लेकिन बुनियाद मेरी वहीं से आई है। उन गीतों को देखते हुए, आसपास की घटनाओं को देखते हुए, किस तरीके से अत्याचार महिलाओं के ऊपर होता है, किस तरीके से उत्पीड़न होता है, किस तरीके से हिकारत की नज़र से देखा जाता है दलित महिलाओं को, किस तरीके से विद इन दलित भी वो जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को, मेरी समाज की आने वाली महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जाता है। तो ये बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, जो डिफरेंस जो मैं महसूस करने लगी थी उससे मुझे बहुत सारी चीज़ों में एक तरह से आगे बढ़ने का वो बना। लेकिन ये भी तय है कि उसने ही मुझे बनाया भी है। अगर वो ना बनाया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती और इतना शायद स्ट्रगल भी ना कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। और मेरे पीछे मेरे चाचा थे। उसके बाद मेरा पहला जीवन चाचा के स्तंभ की तरह उसके ऊपर आगे बढ़ के बीता। उसके बाद फिर बाद का दशक मेरी माँ के साथ, जो आज नहीं रही, उनके साथ हुआ। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि मैं फिर स्टूडेंट यूनियन में अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर तमाम चीज़ें, फिर मेरे साथ ही साथ लिखती रही। कहानी पहले कब छपी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया था उस वक्त। और साथ ही साथ जब लिखना शुरू किया तो जो मेरी किताब आई जोड़ी, इसी के ऊपर बहुत दिनों से चर्चा। बेसिकली मैं आलसी भी बहुत हूँ सच बताऊँ तो। अब देखिए कि जब मेरी माँ थी मैंने तभी मेरी आत्मकथा लिख ली थी, और मेरी तमाम जितनी भी मेरी पुस्तकों की चर्चा मैंने की उनमें हमेशा मेरी माँ मेरी पहली कविता की सॉरी मेरी पहली पुस्तक की प्रति की कॉपी उनके हाथों होती थी। वही एक तरह से मेरी विमोचन करती थी मेरी कविता किताबों की। तो उनके होते हुए मुझे ये लग रहा था कि अभी तो है टाइम, कर लेंगे। आत्मकथा मैं एक तरह से लिखने के बावजूद भी उसको प्रकाशित नहीं कर पाई। मैं प्रकाशित इतनी जल्दबाजी में करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि माँ मुझे टाइम ही नहीं देगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तरह से ये भी एक अधूरा ही पड़ाव रहा। आत्मकथांश बहुत सारी जगह पर छपे। ये जो अपना प्रोफेसर विमल थोराट जो निकालती है दलित अस्मिता, उसमें भी छपा। संघर्ष एक पत्रिका थी, उसमें भी तमाम रहस्य की आवाज़, हम दलित, और भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं, कथा देश में भी कुछ छपा होगा शायद, मेरा कोना में संजीव चंदन ने कुछ छापा था, तमाम चीज़ें रही। बहरहाल मैं बात कर रही थी, अब आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे आप लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, सॉरी आप लोगों की तो खैर आवाज़ आएगी नहीं, आप लोगों की मुझे अगर आप मुझे बता देंगे कि अब आवाज़ ठीक आ रही है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम अगर हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं शिफ्ट भी कर सकती हूँ दूसरी जगह पे। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक तरह से जो एक्टिविज्म है और साथ ही साथ राइटिंग वर्क, इन दोनों में एक तरह से बैलेंस बनाना, जबकि होना चाहिए। मैं बैलेंस उस तरीके से नहीं बनाती, मेरा मन में आता है तो मैं लिखती हूँ, नहीं आता तो नहीं लिखती। हाँ, अब हम साहित्य की बात करते हैं। मैंने संस्कृत साहित्य को पढ़ा है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा जो मूल जो काम है वो संस्कृत में ही। मैं पंखा ऑन कर लेती हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। आप सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? अगर आप मुझे बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है आपको? जी, तो हम बात कर रहे थे कि तमाम जो जीवन के जो पहलू हैं उन सब में किस तरीके से एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, और फिर रचनाक्रम और फिर एक्टिविज्म, साथ में पढ़ाई और साथ में फिर शोध रिसर्च का जो काम जो मेरा संस्कृत, थैंक यू, रिसर्च का काम जो मेरा है संस्कृत का, वो सारा तमाम। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाते हुए हम लोग काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और बहुत सारे उतार चढ़ावों के साथ हमने अपने आप को बैलेंस बना के रखा। एक तरह से आप, मैं ये कहूँगी कि दलित साहित्य के तमाम जो
रचनाकार हैं, मेरे से पहले जिन्होंने रचनाएं की हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए मैंने सुशीला टागोरे को पढ़ा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि मैंने जो सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ना मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हंस की पत्रिका को पढ़ना शुरू किया, वहाँ से एक तरह से मेरी पढ़ाई मतलब हिंदी साहित्य में एक तरह से पढ़ने लिखने का, कहानियों का पढ़ने का शुरू हुआ। वहीं से मैंने दलित साहित्य भी पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है मैंने हंस में ही एक लेख पढ़ा था दलित, उसका एक तरह से दलित स्थिति के ऊपर कुछ था, क्या था मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने हंस में पढ़ा तो एक एक्साइटमेंट बढ़ी। और फिर उसके बाद बेसिकली क्या रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ उलझी रही कि मुझे एकदम ये रहा कि मैं क्योंकि फाइनेंशियल कोई मेरे पास ऐसा कोई नहीं ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का सपोर्ट मिले। फिर फादर भी चले गए, देन मतलब बहुत सारी चीज़ें आती रही लाइफ में। फिर मैंने उसको क्या किया कि आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे बढ़ना था, आगे बढ़ना था, पढ़ाई करनी थी मुझे, मेरा पढ़ाई एम था, इसलिए मैंने उस एम के साथ कभी समझौता नहीं किया। अगर एक्टिविज्म को रोकना पड़ा तो मैंने उसको रोका है, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी। और क्योंकि मेरे चाचा का सपना था, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टरेट करूँ, सबसे ऊंची डिग्री मैं हासिल करूँ, ये मेरे चाचा ने मुझे बताया हुआ था। नो डाउट इसमें डॉक्टर मुकेश, आपको याद होगा मैंने अभी एक जो जिक्र किया है प्रेम की कविता का, हमारा भी प्रेम कुछ अलग तरह का था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, मेरे हस्बैंड रोहतक यूनिवर्सिटी में से पढ़ते थे, हम लोग दो कोनों की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट यूनियन में क्योंकि हम लोग काम करते थे स्टेट वाइज, तो एक मुलाकात वहाँ से हुई। और जब वहाँ से मुलाकात हुई तो मंजिल तक पहुँचाई हम लोगों ने, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। खैर मैं बात कर रही थी कि फादर की डेथ के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हारी भी बहुत बार लेकिन उठी भी बहुत बार, ऐसा नहीं है कि हारने के बाद मैं नहीं उठी। तो मुकेश जी का बहुत योगदान रहा, सबका रहता होगा, मेरा भी रहा, हाँ, लेकिन इतना जरूर रहा कि एक तरह से हम लोगों ने एक जो दिशा थी अपनी अपनी लाइफ की, उनके उनकी लाइफ का अपना एम था, मेरी लाइफ का अपना एम था। मैंने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी, कंटिन्यू रखा, शादी के बाद भी, मैं तो शादी में एक दिन पहले पहुंची थी, अपने ही शादी में एक दिन पहले पहुंची थी, और जबकि अपनी पसंद की भी थी, लेकिन क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने शादी में भी अपने एग्ज़ाम के साथ समझौता नहीं किया था। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब मैं एक दिन पहले शादी में, घर में सारे आ चुके थे, वो जो बान वान लगाते हैं सारी वो चीज़ करते हैं, वो घर वालों ने अपने आप ही फ़ोटो वोटो कर ली थी। शादी करने के तुरंत बाद फिर मैं अगले दिन, जैसे ससुराल आते हैं रात को, अगले दिन रुके, तीसरे दिन हम फिर चले गए थे दोनों। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तरह से जो हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि मेरी शादी 10,000 रुपये में हुई थी, और अरेंज मैरिज की तरह थी, गाँव में थी और तमाम सारी चीज़ों को करते हुए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जिस तरीके से शादी की वो अपने आप में एक मिसाल बनी, मिसाल इस रूप में कहेंगे कि हमने बिना दान दहेज के, बिना किसी औपचारिकता के, हम लोग कहीं देवी देवता के यहाँ धोपने नहीं गए, पूजने नहीं गए, कोई किसी भी तरह की कोई औपचारिकता हम लोगों ने की, हमने शादी की बहुत अच्छे से की। बारात 16 बाराती मेरे आए थे, मुकेश बारात लेट लेके आए थे, मैं बहुत नाराज भी हुई थी, मुझे इंतजार लग रहा था कि कहीं आए ना, तो लेकिन खैर मुकेश आ गए थे, लेट आए थे 12-1 बजे के बाद। फिर हम लोग जो 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 सारी चीज़ें शादी में होते हैं वो की, फिर अगले दिन जस्ट हम लोग पढ़ाई के लिए चले गए थे। मुकेश रोहतक आ गए, मैं करनाल जेल चली गई थी, करनाल में उस वक्त मैं बीएड कर रही थी, मेरी शादी मेरी स्टडी के दौरान ही हुई थी, देन मैंने एमफिल किया, फिर पीएचडी जेल यूनिवर्सिटी से किया। बहरहाल हम लौटते हैं वापस उसी बातचीत पर जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि एक 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 दिशा हम लोगों की रही, हम दोनों की अलग अलग दिशा होते हुए भी हम लोग एक जगह पर रहे। मैंने नौकरी ज्वाइन की, फिर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में तक पहुँची। तो जो रचनाक्रम रहा वो इसी तरीके से रहा, छुटपुट, कहीं यहाँ से जोड़ा, कहीं यहाँ से जोड़ा, समेट नहीं पाई। अगर समेटा होता तो शायद विशाल होता,
क्योंकि लगभग वो जो समय था वो एक ऐसे दुख भरी दास्ता टाइप सा था, और अगर वो दुख भरी दास्ता टाइप जो समय उस वक्त सहेज के रख लिया होता तो आज एक तरह से मेरे पास एक बहुत मतलब रिच फुल लिटरेचर होता। बहरहाल मैंने तमाम जब जैसे जैसे हिंदी साहित्य के लेखकों को पढ़ना शुरू किया, दलित साहित्य को पढ़ना शुरू किया, प्रोफेसर विमल थोराट को पढ़ा, प्रोफेसर सुखदेव थोराट की इंग्लिश की राइटिंग्स को पढ़ा जो मुझे बहुत गहरे तक एक तरह से सोचने पर मजबूर किया कि ये सोशल एनालिटिकल है, सर्वे दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रोफेसर थोराट के बारे में पढ़ी। देन प्रोफेसर अजय नावारिया, हेमलता महेश्वर, कमल भारती जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ बहुत मतलब जेएनयू से ही एक रहा, बेसिकली इन तमाम जो जो साहित्यकार हैं इनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो दिल्ली आने के बाद हुआ। उससे पहले मैंने बता दिया कि मैं तो हरियाणा में थी, हरियाणा में उस तरीके से उस तब तक एक साहित्य के साथ कोई ऐसा सा लगाव कुछ ऐसा हो ऐसा लगाव भी उस तरीके से नहीं था, लेकिन तमाम जो जो एक एक्सपोजर मिला मुझे बेसिकली वो जेएनयू में आने के बाद मिला, क्योंकि जेएनयू में हमारे पास एक ऐसा एक तरह से फलक कहें था जो तमाम लेखकों को समेटता था, तमाम एक तरह से चीज़ों को लेके आया हुआ था कि कैसे सोशल पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल साइंटिफिक सोच और वो तमाम चीज़ें कैसे डिस्कशन होती हैं, वो डिस्कशन का एक तरह से पूरा का पूरा जी। विनय कुमार जी आप ये कह रहे हैं कि मैं इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही, मेरा बिल्कुल आपकी तरफ ही ध्यान है। बेसिकली पता नहीं मतलब आवाज़ तो ठीक आ रही है, मैंने फुल वॉल्यूम किया हुआ है मेरा आईपैड का, और पता नहीं क्यों नहीं आपको आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, आप मुझे बता दीजिए आवाज़ अगर आप लोगों को अब ठीक आ रही है तो, या इंटरनेट की कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं शालिनी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शालिनी जी मुझे एक बार बता दें कि अगर कोई प्रॉब्लम है और या कोई कुछ खास सवाल है तो मैं एक तरह से ये बड़ी विडम्बना मुझे लग रही है कि विनय कुमार जी कह रहे हैं कि मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही आवाज़ की तरफ, और पी राज सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है। अरे भाई ठीक ठीक से लगा लो ना, मतलब कोई कहे कि बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है, कोई कहे कि नहीं आ रही आवाज़। अब यार मैं इतनी देर से तैयार व्यार होके बैठी हूँ अच्छे से और आप तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही। डॉक्टर सुनीता थैंक यू, डॉक्टर सुनीता आप मुझे कह रही है कि आप मुझे साफ सुनाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मैं औरों को जब ऊंचा बोल रही हूँ तो ये पंखुड़ी सिन्हा जी कह रही है कि थोड़ा ऊंचा बोले, पी आर राज सिंह कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है, शालिनी जी भी कह रही है कि आवाज़ क्लियर आ रही है। डॉक्टर सुनीता बताइए आप, मैं क्या और क्या इस्तेमाल करूं जिसकी वजह से आप लोगों तक आवाज़ पहुंचे। मुकेश जी कह रहे हैं कि ईयरफोन का इस्तेमाल करें, अगर मैंने ईयरफोन का इस्तेमाल किया मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं मुकेश जी, क्योंकि ये देखिए एकता प्रकाश जी कह रही हैं कि मुझे तो अच्छे से सुनाई दे रहा है, उर्मिला जी भी कह रही हैं कि ठीक आ रही है, तो हम क्या आगे चलें फिर आगे बढ़ें, क्योंकि इससे बात का फ्लो भी रुकता है जी। जी अब आपको मेरी आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है, शालिनी जी एक बार प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि क्या आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। यस जी थैंक यू राज सिंह जी, आप कह रहे हैं कि मेरे को आवाज़ सुनाई ठीक दे रही है। देखिए हम बात कर रहे थे आगे कि जो एक तरह से तमाम साहित्यकारों को पढ़ते हुए मैंने सूरजपाल चौहान जी की दोनों आत्मकथाएं पढ़ी, प्रोफेसर तुलसीराम जी उस वक्त आत्मकथा लिख रहे थे, उनका एक भाग कंप्लीट हो चुका था। मुझे याद है कि जब मुनि भारती डिक्टेट एक तरह से वो करते थे, मुनि भारती उसको लिखती थी तो बहुत सारी चीज़ें बीच में आती थी, तो तमाम लेखकों को पढ़ने के बाद एक एक ऐसा एक मेरे सामने प्रोफेसर अजय नावरिया ने उधर के लोग लिखा, तो जो एक विद इन दलित जो एक आवाज़ को भी उठा रहे थे, तो उसको पढ़ने के बाद उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा, देखिए उसको और उनको हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा सा ख़राब नहीं माना जाता क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे तुम ही बोलते हैं सबको,
आपके चक्कर में रहते भी नहीं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सारे तुम बोलते हैं, आप नहीं बोलते, हमारे यहाँ चलन में नहीं है। हालांकि आपके मतलब एक तरह से बहुत सारी जगहों पे आप और तुम में बड़ा अंतर माना जाता है कि आप बोला जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे कि तमाम लेखकों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इन चीज़ों को इस दृष्टिकोण से भी लिखा जा सकता है। कुछ चीज़ें जैसे सुचिला टैगोर जी ने लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी लिखा और उधर के लोगों में भी मुझे दिखाई दिया, तो मुझे लगा कि एक एक पहलू ऐसा भी है जो समाज के उस तबके की आवाज़ को कम उठा पा रहा है, तो उस तबके की आवाज़ भी साहित्य में आई, तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत थी, जो मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है। ये जो मेरी किताब है जोड़ी, NBT ने छापा है इसको, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हुई, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं इसमें जो पहले से पड़ी हुई है, लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो फिर इसको NBT ने प्रकाशित किया, फिर इसका वर्ल्ड बुक फेयर में विमोचन भी हुआ। और उसके बाद साहित्य के एक बदलाव को देखते हुए मुझे लगा कि हम रहे ना रहे लेकिन साहित्य रहता है और साहित्य की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है। लेकिन साथ ही साथ मेरा शोध के क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहा है। कविताएं मैं लिख लेती हूँ, कहानियाँ लिख लेती हूँ, लेख जनसत्ता वगैरह में भी आए, कहानियाँ भी जनसत्ता वगैरह में भी आई हैं, आर्टिकल्स भी लिखा और तमाम इंग्लिश के पेपर में इंटरव्यूज भी आया, सत्यमेव जयते में भी एक तरह से साक्षात्कार हुआ और फिर अपना कोना संजीव चंदन ने BBC में भी किया, गीताश्री ने भी लिखा, तमाम लोगों ने एक तरह से इस मुझे एक तरह से नोटिस लिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से नोटिस लिया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से उन चीज़ों को जो नज़रअंदाज किया गया था, उन चीज़ों को रेखांकित मैंने करना शुरू किया। पहली बार जब 2012 में मैं बोस्टन में गई यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में बोलने के लिए, तो दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज आफ्टर अटेंडिंग द मैसाचुसेट्स आई हैड जॉइन द कोलम्बिया यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया, आई डिलीवर्ड लेक्चर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, फ्रांस, जर्मन, मलेशिया, ओसाका एंड देन कैनेडा, तमाम कंट्रीज में मैंने बोला और यूनिवर्सिटी में बहुत बहस एक तरह से हुई इस विषय पे। मैंने बताया कि मेरा जो एरिया है वो शेड्यूल कास्ट इन धर्मशास्त्र है, मेरा स्पेशलाइजेशन उसी पे है और इसमें एक वर्ल्ड वाइड भी बहस चली। पिछले दिनों 2018 में जब हम लोग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, संस्कृत की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मुझे जब एज ए पैनलिस्ट बुलाया गया, तो वो एक मेरे लिए मंच था। वहाँ पर तमाम जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे पैनलिस्ट, दो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मंदा क्रांता बोस एंड प्रोफेसर कौन थे नाम मिल रहे हैं अशोक वाजपेयी की अनन्या वाजपेयी, अशोक वाजपेयी की बेटी, तो ये सारा एक फलक रहा। फिर UNO से मैं बुलाया गया, मैंने UNO में बोला एट्रोसिटीज ऑन दलित वुमेन इन इंडियन फ्रेमवर्क, देन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें हुई। देन एक अनुभव तो रहा कि जो हायरार्की सिस्टम, जो गैर दलित में है, वही हायरार्की सिस्टम कहीं ना कहीं दलितों के अंदर भी है, और न केवल साहित्य में, वो तमाम जीवन के तमाम क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तमाम क्षेत्रों में है। ये भी एक विडंबना रही कि आप एक तरह से अगर उनके उनके बाड़े में, बड़ा तो खरखराब शब्द होगा, उनके दायरे भी नहीं कहेंगे, मतलब उनकी बात अगर कहेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप उनकी बात नहीं करते तो आप विरोधी एक तरह से बातचीत कर रहे हैं, ये बड़ी एक तरह से विडंबना रही। और इस विडंबना को भी पार करने की कोशिश की और एक जो एक सहयोग जो एक रहा वो भी एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा। कमल भारती जैसे लोगों ने भी इसके ऊपर बातचीत करनी शुरू की, तमाम कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि आपने स्टार प्लस पे आमिर खान के साथ जब हम लोग बैठे तो आपने अम्बेडकर का नाम नहीं लिया। मैंने सफाइयाँ भी दी बार बार, हालांकि मुझे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बहुत ख़राब तरीके से बोलती हूँ, मैं अगर किसी को सर्टिफिकेट करना तो मेरे पास कम से कम ना है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि एक जो रचनाक्रम है पूरा वो आपके जीवन को प्रभावित करता है और जो
आपके जीवन को जो प्रभावित करता है वही चीज कहीं ना कहीं साहित्य में आती है। मैं इस बात पे एक तरह से अपनी बातचीत बिल्कुल एकदम अच्छे, मतलब मेरा अपना मानना है, आप डिफर हो सकते हैं, कि जो जीवन के जो अनुभव, जिन स्थितियों से आप गुजरते हैं, जो जिस प्रकार का साहित्य आपने पढ़ा है, मेरे लिए एक प्रिविलेज ये भी रहा कि मैंने संस्कृत साहित्य पढ़ा, धर्मशास्त्रों को पढ़ा, धर्मशास्त्रों में स्त्रियों की क्या स्थिति थी और धर्मशास्त्रों में शूद्रों की क्या स्थिति थी, मैंने पूरा का पूरा संस्कृत में पढ़ा। देन मैंने हिंदी का लिटरेचर भी पढ़ा संस्कृत साहित्य का। और मेरे लिए एक और प्रिविलेज ये रहा कि मैंने जितनी कंट्रीज की यात्रा की, जैसे पिछले दिनों मुझे जापान जाने का मौका मिला, वहाँ जैपनीज लैंग्वेज में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ये भी अपने आप में एक बड़ी एक बात रही कि वहाँ भी एक तरह से जो महिलाओं के साथ, मतलब लैंग्वेज ऑफ किंग उनको अलाउड नहीं थी, वो दूसरी लैंग्वेज में बात कर सकती थी, तो वही एक तरह से कहीं ना कहीं संस्कृत ग्रंथों में भी हमें दिखाई दिया। फिर देन जो तमाम जो स्थितियाँ हमें दिखती हैं कहीं ना कहीं छुटपुटार्ज भी, इतने सैकड़ों नहीं अरबों उदाहरण आपको दिखाई देंगे कम से कम इंडियन फ्रेमवर्क में। जब आप ढूंढना शुरू करते हैं तो एज बिंग ए दलित, एज बिंग ए वुमेन, आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि दलित, ये मैं थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा ले लेते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो गए और मुझे बता दीजिएगा शालिनी जी कितना टाइम मेरे पास अभी बोलने के लिए है। दलितों में आपस में पूर्वग्रह होता है, ये सही बात है, बिल्कुल आप भी मान रहे हैं इस बात को। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं जो इसमें कहना चाह रही हूँ वो ये कि वो पूर्वग्रह आखिर बने कैसे, आप बताइए मुझे कैसे बने। कोई चीज स्थापित होती है तभी पूर्वाग्रह बनते हैं, अगर कोई चीज स्थापित ही ना हो तो पूर्वाग्रह कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ संस्कृत शास्त्रीय जो परंपरा है उसमें संजीव चंदन जी अगर मेरी बात सुन रहे हो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एक पूर्व पक्ष होता है एक उत्तर पक्ष होता है। पूर्व पक्ष अपनी बात जो रखता है, उत्तर पक्ष उसका जवाब देता है। तो पूर्व पक्ष जो है वो आखिर आया कहां से, कहीं से तो आया हो, और अगर कहीं से आया है तो जाहिर सी बात है वो पूर्व पक्ष जो होगा वो किसी ने तो बनाया होगा, तभी उत्तर पक्ष उसका जवाब देगा। तो ये पूर्वाग्रह वहां से आता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिए जो दलित का पूरा कंसेप्ट है, आप इसको दलित ना भी कहें, SC ST OBC डिप्राइड सेक्शन पूरा का पूरा, जिसको हम एक शब्द से संबोधित करते हैं दलित शब्द से, वो क्या है आखिर, तो पूर्वाग्रह की निर्वृत्ति तो नहीं है। हाँ, उसके चैलेंज में जरूर आया है। जब जब हम साहित्य की बात करते हैं, आप ये देखिए हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य, संस्कृत ग्रंथों में वैदिक संस्कृत रही, लौकिक संस्कृत रही, तमाम आजकल हम आधुनिक संस्कृत पे बात करते हैं, यहाँ दलितों के सवाल कहाँ हैं। लेकिन हमने, मैं इसको थोड़ा सा धन्यवाद भी दूंगी हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट को, दिल्ली यूनिवर्सिटी का संस्कृत डिपार्टमेंट को, हम लोगों ने अम्बेडकर दर्शनम पढ़ाना शुरू किया, भीम दर्शनम पढ़ाना शुरू किया, तमाम स्त्रियों के सवालों को भी लेके आ रहे हैं संस्कृत ग्रंथों में, तो कुछ कुछ अब एक बदलाव की नज़र की तरफ जा रहा है। लेकिन वो इतना अपर्याप्त है, अभी तक पर्याप्त होने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जैसे दलित साहित्य हिंदी में है, तमाम दूसरे लैंग्वेज में है, सिर्फ हिंदी साहित्य में ही क्यों, आप इंग्लिश साहित्य की बात करिए, उठा के देखिए इंग्लिश साहित्य में क्या है। अगर इंडियन कंस्ट्रक्ट में बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जो अंग्रेजी का साहित्य है पूरा का पूरा, क्या उसमें आपको नजर आते हैं दलितों के सवाल? मेरे ख्याल से बहुत कम आते हैं। जी थैंक यू। मेरा रंग एकता जी खुद से समझना चाहिए, जब ज्यादातर लोग कह रहे हैं सुनाई दे रहा है तो जाहिर है कि उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी स्कूल सिस्टम और जातिवादी मानसिकता पर मुकेश जी कह रहे हैं बात करें, और शालिनी जी भी कह रही थी कि प्राइमरी एजुकेशन पे बात करें। बेसिकली क्या है ना कि ये एक तरह से रिपीटेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे तमाम जो हमारे जो मीडिया है उसमें एक सोशल पक्ष, खासकर जो एक तरह से बचपन का जो रहा है फेज पूरा, उसी पे बातचीत कर रही है, तो इसलिए मैं इसको टाल के थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रही थी। लेकिन क्योंकि आप जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ हरियाणा में ड्रॉप आउट रेट जो है वो एकदम, उसके पीछे का जो रीज़न है वो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है।
और ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था। उसमें आर्टिकल में मैंने आंकड़ा दिया था हरियाणा के स्कूलों का। इस वक्त मेरे पास वो आर्टिकल नहीं है। मुकेश जी जानना चाहते हैं हरियाणा के स्कूलों की स्थिति और डिस्क्रिमिनेशन की मानसिकता की। बस मैं इतना बता दूं कि वो इस वक्त मेरे पास वो आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। उस आंकड़े में एक तरह से पूरा बताया गया था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ड्रॉप आउट रेट ऑफ दलित स्टूडेंट्स। तो इस पे एकदम साफ समझ सभी एक्टिविस्ट की ये थी कि डिस्क्रिमिनेशन इज द मेजर रीजन फॉर ड्रॉप आउट रेट ऑफ द स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल उस तरीके से जो गरीब आदमी है वो उस तरीके से पेड नहीं कर पाता। तो हम बात कर रहे थे कि आगे बढ़ के बात करते हैं। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हरियाणा की है। शालिनी जी ने मुझसे पूछा है, मैं उनका जवाब दे देती हूँ। मैंने हरियाणा के राजौंद गांव से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई लड़कियों के स्कूल में की। उस मेरे ज़माने में लड़कियों का स्कूल 10वीं तक होता था, उसके बाद 11वीं और 12वीं लड़कों के साथ होती थी। तो मैंने 10वीं और 11वीं लड़कों के साथ की स्कूल में, और सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हूँ। हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, वहीं से बुनियाद भी पड़ी है। और मैं ये भी बता दूं कि वो जो डंडा परेड हुआ करती थी, अगर वो डंडा परेड नहीं होती तो आज एजुकेशन के इस स्तर को जो मैंने हासिल किया शायद ना कर पाती। क्यों? क्योंकि भले ही मान लीजिए, मैंने बताया आपको कि एक रिसर्च के माध्यम से भी कि डिप्राइड सेक्शन का जो मेन रीजन था ड्रॉप आउट रेट का, वो डिस्क्रिमिनेशन था। मैं बिल्कुल एकदम उसी बात पर अड़ी हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं, मैं जो स्कूलों के जो टीचर थे वो इतने डंडे मारते थे, कि आप ना होमवर्क करके लेके आए उसका सवाल पैदा नहीं होता था। और मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट थी इस मामले में। आप ये देखिए ना, घर में जब लड़ाई बचती थी, मेरे घर में शराब बहुत पीते थे। मेरे जॉइंट फैमिली है, 5 चाचा ताऊ थे। मेरे चाचा इन द सेंस मेरे फादर बीच के थे, 2 मेरे चाचा है, 2 मेरे ताऊ, जिनमें से मेरे पूरे परिवार में से मेरे एक चाचा जो आज नहीं है वो पुलिस में थे। अदरवाइज वो सारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे। वही हमारे पढ़े लिखे एकमात्र थे, सेकंड नंबर पे एक तरह से मैं कह सकती हूँ। मेरे भाई और वो पूरे तमाम, वो भी मतलब डॉक्टरेट नहीं थे लेकिन 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई की हुई थी उस जमाने में। तो मैं कहना चाह रही हूँ मेरे चाचा बीच वाले थे, तो उनके एकदम दिमाग में ये था कि मुझे पढ़ना है। मुझे नहीं, सिर्फ मेरे दोनों भाई, मेरे दो भाई हैं, एक बहन है। बड़े भाई का नाम मेरा सुबह सिंह है, छोटे भाई का नाम सुरेश है, तीसरी मैं एकमात्र हूँ, एक लड़की हूँ, दो भाई हैं मेरे। तो बिल्कुल एकदम मतलब बिल्कुल वंदना गुप्ता जी सही कह रही हैं, सच में पढ़ाई गजब की होती थी। हमारे यहाँ तो जो टीचर क्लास में आता था ना, आने से पहले ये कहता था, भान मुझे आज भी चपरासी का नाम याद है। हमारे यहाँ जो स्कूल में चपरासी हुआ करता था, भान प्रहलाद मास्टर हुआ करते थे, हमें मैथ पढ़ाते थे। और उस वक्त मैं जब मैथमेटिक्स मतलब मैं जब 10th पास की बोर्ड की होती थी, हरियाणा बोर्ड की, बड़ी टफ होती थी। 5वीं क्लास भी बोर्ड की थी, फिर 8वीं भी बोर्ड की थी, 10वीं की भी बोर्ड की, 12वीं की भी बोर्ड की, बहुत टफ बोर्ड हुआ करता था। मतलब एक माहौल होता था उत्सव का जब बोर्ड का पेपर होता था। तो मैं बात कर रही थी, हमारे प्रहलाद मास्टर जब मैथ पढ़ाया करते थे, क्लास में आने से पहले भान को भेज देते थे, भान डंडा लेके आ। और भान क्या करता था, सरकारी स्कूल था, नीम के पेड़ लगे हुए थे, वो इतनी फटाफट इतनी स्पीड से पेड़ पे चढ़ते थे, और बिल्कुल एकदम कच्ची होती थी, बिल्कुल गिल्ली वाली कच्ची वाली टहनी जो लगे चीर दे पूरी बॉडी को, वो उठा के लेके आया करते थे, आते ही देते। और हम भान को इतनी बुरी नजर से देखते थे जैसे खा जाएंगी सारी लड़कियां उसको। लेकिन तो वो मतलब जब पढ़ाना शुरू करते थे तो आधा आदमी तो डंडे को देख के ही सवाल भूल जाए, कहाँ याद रहना था, तो याद नहीं होता था, याद होता था भूल जाते थे अंडे वो डंडे को देख के। और जब पढ़ते थे, मतलब आप ये देखो, मतलब उस वक्त ना, मतलब ये जो लॉजिक से लगे हैं ना, ये बाद में ही आए हैं। मतलब हमारे टाइम में तो एक तरह से ये था कि मास्टर डंडा मारे कहीं भी लगे, मतलब वो यूं भी नहीं देखते थे लगेगा कहाँ। सच बता रही हूँ, मतलब मुझे आज भी याद है, यूं भी नहीं देखते थे कि कहाँ लग रहा है। मतलब ऐसी ऐसी जगह पर निशान पड़ते थे ना, तो वो जब जब याद आते थे तो अपने आप ही होमवर्क होना शुरू हो जाता था। मतलब माँ बाप तो देखते ही नहीं थे ना, उनको क्या पता था, मेरे तो अनपढ़ माँ बाप थे सारे, तो एकदम मतलब इतनी बुरी तरह डंडे पड़ते थे। वो जब दुखते थे ना होमवर्क याद, घर में लड़ाई बज रही हो ना, पड़ोसियों के जाके पढ़ के आते थे,
ये हालत हमारे स्कूलों की थी। बहरहाल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने उन्हीं की बदौलत हम लोग पढ़े हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो स्कूल में कृष्ण कुमार शर्मा जी पढ़ाया करते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, मतलब वो इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते थे ना, इतना खींच के मारते थे थप्पड़, मतलब यूँ लगता था ना तो सारी की सारी उंगलियाँ निशान पड़ जाता था, और कई बार तो यूँ करके निकलना पड़ता था यूँ। और अगर कोई टोक देता था ना कि अरे यूँ क्यों कर रखा है, मतलब धूप हो रही है, धूप सेक रहे हैं, तो ये हालत मास्टर किया करते थे उस वक्त। और वो जो मास्टर जो सिखाते थे, बस उसका तो कोई और छोर होता ही नहीं था। हम लोग तो किताब पूरी किताब रटा करते थे, बोर्ड के एग्जाम होते थे पूरी किताब रटा करते थे, ये एक बड़ा एक वो रहा था। हमारे ऐसे ही बारहवीं पास की, फिर उसके बाद बारहवीं करने के बाद कैथल से ग्रेजुएशन की। हाँ, बस एक चीज़ बचपन की मैं ज़रूर बताना चाह रही हूँ, वो ये कि हंगर स्ट्राइक किया करते थे, मुझे हंगर स्ट्राइक करनी पड़ती थी, ब्लैकमेल करती थी असल में मेरे चाचा को। नहीं, मेरे चाचा बस एक ही चीज़ से मांगते थे, और वो होती थी मैं भूख हड़ताल पर, अगर मैं भूख हड़ताल पर हूँ तो मुझे कुछ भी मनवाना पड़ जाए वो मान जाती थी। बस मुझे इतना भर करना पड़ता था कि मुझे हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ता था। दसवीं के बाद हंगर स्ट्राइक पर बैठी, ग्यारहवीं बारहवीं के बाद भी हंगर स्ट्राइक पर बैठी, और फिर ग्रेजुएशन में जब हंगर स्ट्राइक पर बैठी वो लंबी चलनी पड़ी, क्योंकि मेरे जो चाचा थे और तमाम जो पृष्ठभूमि है पूरी की पूरी, मतलब न केवल दलितों में वाल्मीकि समाज में बल्कि तमाम दूसरी जो जातियाँ थी उनमें भी लड़की कॉलेज में नहीं जाती थी। और क्योंकि कॉलेज हमारा बहुत दूर था, 60-70 किलोमीटर दूर था, और बस में आना जाना पड़ता था, और इतने निकम्मे थे ड्राइवर बसों के, मतलब हम लोग, मैं छोटी सी एक बात आपको अच्छी लगेगी सुन के बता दूँ, हम लोग जब एडमिशन ले लिया, हंगर स्ट्राइक के बाद ले लिया एडमिशन, लेने के बाद जब बस में जाते थे तो जितने भी पास वाले होते थे ना, बस पास वाले, ड्राइवर रोकते ही नहीं थे, बस मतलब यूँ मानते थे कि तो मुफ्त के, मतलब इतनी खराब भाषा होती थी उनकी, ये कहते थे कि ये तो सरकारी दमाद है सरकारी दमाद संबोधित करते थे, बस रोकते ही नहीं थे। तो घिसट पिसट के बड़ी मुश्किल से, मतलब एक घंटा लगता था आना, एक घंटा जाना, फिर बस का इंतजार करना, बड़ा मतलब एंजॉय भी खूब करते थे उसमें, लेकिन बड़ा टेढ़ा काम था। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गई, ज्ञान का स्तर बढ़ता गया, एक समझ पैदा हुई, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, और अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़े। मैं बिल्कुल एकदम मानती हूँ, मैं अम्बेडकरवाद मुझे बहुत बाद में मैं समझना शुरू किया, लेकिन उससे पहले का जो अम्बेडकरिज्म था वो एक तरह से उन चीज़ों में ही था। मतलब मेरे चाचा जो थे वो एजुकेशन पे इतना जोर देते थे, तो जब मैं बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी बात, मतलब यही बात मेरे चाचा भी कहते हैं। तो मेरे चाचा मेरे लिए बियॉन्ड द लिमिट, उनके आगे सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद फिर तय होता रहा, साहित्य की तरफ बढ़े और तमाम चीज़ों में यात्राएं करते हुए हम लोग आगे बढ़े। मुझे लगता है कि हमारा समय हो चुका है। शालिनी जी अगर मुझे बताएं कुछ खास चीज पे ध्यान देना हो तो, देखिए मुझे पता भी नहीं लगता कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। आप फिर भी अगर कोई सवाल कुछ खास तरह के कुछ पूछना चाहें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी, कमेंट में थोड़ा सा देख लेती हूँ। हाँ जी, कुछ खास सवाल तो है नहीं, अगर फिर भी कोई हो तो न्यू कमेंट में आप लोग मुझे दे दें। मेरा रंग का मैं आभारी हूँ, आप लोग मेरे रंग की मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया आप सबके साथ बीच में बात करने का। कुछ देखिए, निशार बारू जी का मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। क्या मुझे लगता है हिंदी में कविता सुनाने की ज़रूरत है, अगर आप लोग सुनना चाहें उसके बाद मैं जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि उससे पहले मैंने संस्कृत में पढ़ी थी। आप सुन लीजिए, फिर हम निशार बारू जी का मैं एक सेकंड में जवाब दूंगी। हिंदी में आप सबके सामने पढ़ती हूँ कविता, जिसका जवाब निशार बारू जी ने मांगा है। भंगी महिला को विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है, बाएं हाथ से हर मनुष्य, हर महिला, हर बच्चा भंगी होता है। देखिए ये सिद्धांतवादिता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। व्यवहारिकता में क्या आप अपने माँ को कभी भंगी महिला कह के संबोधित किया है, या आप संबोधित करेंगे? माफ़ कीजिएगा, बहुत कड़वा जवाब दे रही हूँ मैं आपको, ये बड़ा सिद्धांतिक मतलब आज सॉरी सिद्धांतिक भी आदर्शवादिता वाला है कि बाया हाथ फलाना ढिकड़ा मुकड़ा, मतलब क्या ये आपको लगता है कि आप जो आपके यहाँ जो कूड़ा साफ करने आती है
या जो घरों में जो गंध उठाती है महिला, वो महिला और जो बच्चा पैदा करती है कोई भी अपर कास्ट की महिला या कोई भी दलित महिला, भंगी महिला कहलाएगी, मुझे लगता है बेईमानी कर रहे हैं आप अपने साथ ही। मैं दोबारा हिंदी में एक बार कविता पढ़ लेती हूँ, आप फिर देख लीजिए अगर कुछ और पूछना चाहें। भंगी महिला सहती है मैला ढोने का दंश, उठाती है मल से भरी टोकरी, घुटनों से होती हुई छाती के बल से सिर तक पहुंचाती है भंगी महिला। भंगी महिला के ऊपर गिरता है टप 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 मलमूत्र, कभी पल्लू से पहुंचती, कभी पल्लू को खिसकाती, कहीं धन न जाए कहीं अंट न जाए इज्जत सरे बाजार भंगी महिला। भंगी महिला कुर्डी पर पहुंचकर थोड़ी देर रुकती है, ठहरती है उसकी नजर, सोचती है भंगी महिला, मैं मलमूत्र से भी गई गुजरी, मैं मलमूत्र से भी गई गुजरी, अरे मलमूत्र तो धन्य है कम से कम सिर पर तो है, अरे मलमूत्र तो धन्य है कम से कम सर पर तो है। और भंगी महिला उठाती है मलमूत्र से भरा भोजा और चल पड़ती है तिलांजलि देने, उस सभ्य कहे जाने वाले समाज को धिकारती है हुंकारती है इस व्यवस्था पर, धिकारती है हुंकारती है इस व्यवस्था पर, सदियों की यातना का हिसाब मांगती है भंगी महिला। भंगी महिला फेंक देना चाहती है मलमूत्र से भरा भोजा उस सभ्य कहे जाने वाले समाज पर, धिक्कारती है हुंकारती है सदियों की यातना का हिसाब मांगती है भंगी महिला, फेंक देना चाहती है मलमूत्र से भरा भोजा उस सभ्य कहे जाने वाले समाज पर, छीन लेना चाहती है अपने हिस्से का खुला आसमान, छीन लेना चाहती है अपने हिंसे का खुला आसमान। ए व्यवस्था के ठेकेदारों अब संभल जाओ, देखो देखो वो आ रही हैं भंगी महिलाएं, हाथों में झाड़ू की जगह कलम उठाएं भंगी महिलाएं। बस दो मिनट और हम लोग लेंगे, आपका कोई खास सवाल हो आप मुझसे पूछना चाहें उसको हम लोग ले लेंगे, अन्यथा हम समाप्ति की ओर जाते हैं फिर। यस, कोई खास सवाल है नहीं मुझे लगता है, सामान्य है बहुत, अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे न्यू कमेंट्स में दे दें, अन्यथा हम बात को अपनी समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं। जी मैं तमाम अपने मित्रों का, अगर कोई आपसे प्रश्न आपका कोई खास प्रश्न ना हो तो मैं समाप्ति की ओर जाती हूँ। शालिनी जी आप मुझसे अगर कोई भी सवाल कोई ऐसा छूटा हुआ हो जो आप मुझसे दोबारा पूछना चाहती हूँ आप पूछ सकते हैं, उसमें मैं दो एक मिनट में समाप्त करूँगी, अन्यथा हमारा समय हो चुका है जो आपने निर्धारित मुझे समय दिया था। आई थिंक मैंने समय सीमा के अंदर अपनी बातचीत रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम जो जिन्होंने कमेंट दिए, बहुत सारे कमेंट्स, देखो आंखें चश्मा अब तो लगा हुआ है, मुझे ऐसे ऐसे स्क्रोल करके पढ़ना पड़ रहा है, अगर मेरी आंखें थोड़ी पहले की तरह हम यंग रहे होते तो मैं बिना चश्मे में देख लेती और मैं फटाफट जवाब दे देती, हालांकि जितना मैं देख पा रही हूँ ऐसा कोई जवाब आप लोगों का नहीं है। डन, इति वार्ता समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शालिनी जी, दिनेश जी, गीताश्री जी, संजीव चंदन जी और तमाम आपकी टीम, आपके श्रोतागण, आपके दर्शक, आपकी पूरी जो एक जज्बा है लॉकडाउन में हम महिलाओं को तैयार करके यहाँ बिठाने का ऑनलाइन, उन सबका शुक्रिया। इति वार्ता, जय भीम, नमस्कार।